अंदर का बीज, उसका भी घिसकर भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन चढ़े देर का मात्र उस गुठली में इतना बल हो जाता है कि उसको भी समझना देने के मुश्किल का विषय। आज की चढ़ी हुई बेलपत्र, आज का चढ़ा हुआ गेहूं का दाना, गेहूं का दाना, जिसका मकान नहीं बन रहा है, फ्लैट नहीं है, खुद का मकान नहीं है, खुद की जमीन नहीं है, खुद का फ्लैट नहीं है, खुद का कोई साधन नहीं है, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहा है और चाहता है कि मुझे कुछ मिले। आज प्रदोष, शुक्रवार का प्रदोष और शुक्रवार की बहुत विशेष मायना रखती है दुनिया के लोगों को, भले वो लग रही होगी कि केवल शिवरात्रि, उसको समझ में। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, बाली जानते हो गेहूं के दाने की बाली होती है, गेहूं के दाने की बाली। आज के दिन शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बाली, गेहूं के दाने की बाली, मात्र शंकर जी पे चढ़ी हुई बाली को उठा लिया जाता है, उस बाली में से 12 दाने निकाल लिए जाते हैं, गेहूं के 12। बाली नहीं होती है तो गेहूं के 12 दाने भगवान शंकर को समर्पित किए जाते हैं, उसको उठा लिया जाता है। आज से प्रारंभ होता है तो 12 दानों में से आज प्रथम शिवरात्रि को मानकर उसमें से एक दाना शंकर को चढ़ा दिया जाता है, 11 दाने रख लिए जाते हैं। प्रत्येक महीने आने वाली शिवरात्रि पर एक दाना शंकर भगवान को अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। अगले साल शिवरात्रि पर बात करेंगे कि प्लाट जमीन जायदाद मिली कि नहीं, मकान मिला कि नहीं मिला, खुद की प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, अगले शिवरात्रि पर बात करेंगे। इसी भूमि पर यही भुवनेश्वर बाबा के धाम पर एक पानी में भी, गेहूं की एक पानी में 12 दानों में भी वो बल होता है जो बल शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को समर्पित किया गया, वो दानों में भी बल है भगवान शंकर। प्रयास करना, कहीं सीओर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा है, जरा प्रयास करना एक बार, प्रैक्टिकल करके जरूर देखा करो, महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करो, आज से चालू करो, और तुम्हारे नगर में तुम्हारे गांव में हम भी कथा करने के लिए जरूर आएंगे, और आएंगे तो बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं, बताना जरूर, बिगर बताए देना मत, जितने जितने पत्र तुम भेज रहे हो हम वहां पर भी भेज देंगे कि बाबा दिया कि ना दिया। यही से शुरुआत आप करो, अपने अपने जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे, जितने फेसबुक ग्रुप पर कथा सुन रहे, 12 महीने की शिवरात्रि आती है, 12 दाने पूर्ण करो, मेरा शंभु दिए बिगर रह नहीं सकते। शिवरात्रि के दिन उसको नहीं मालूम था शिकारी को, उसको तो पर्दा छुपाना था केवल, उसको क्या मालूम है शंकर की शिवरात्रि का मतलब क्या है। मतलब यही है कि आज जल चढ़ाया गया, आज के दिन अगर देवी ने महादेव को रिझा लिया, आज के दिन बाबा को अगर जल चढ़ा लिया, पूरा वर्ष तुम्हारा पूरा साल दुख में नहीं, बाबा की कृपा में सारी समस्या का हल, बोलबम का नारा है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शिव को जड़ा जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बन रहा है। और शंभु शरण में
धर्म की कर कितने दे संतरा मिल गए रे शिव शंकर जैसे खानी गोरा पार मिल गए रे गो शंकर जैसे खानी गोरा पार बालों मिट्टी के बनाए भोलेनाथ राम लोटा जल भर सियावर जब मांगसिया ने वर दीना भगवान सियावर जब मांगसिया ने वर दीना भगवान मिल गए पर भैया लक्ष्मण से मिल गए पर बनाए भोलेनाथ जल भर पावन श्री शिवाय नमस्तु श्री
शिवाय नमः श्री शिवाय नमः भोला सदुख केवल कहने वाला चाहिए और प्रेम बस धन